कहते हैं कि आईन के बाद 1974 में फिर एक ऐसी तहरीक चली जिसके नतीजे में फिर ये मामला पार्लियामेंट के अंदर गया और उनकी जो क्यादत थी उस वक्त की, उन्होंने खुद सबमिट किया अपने आप को पार्लियामेंट के इख्तियार के सामने। ये नहीं कि उन्होंने इनकार कर दिया और काम नहीं जाते, इनको इख्तियार नहीं है, पार्लियामेंट कौन होती है, ये कोई कानून का मसला नहीं है, ये अकीदे का मसला है, ये नहीं कहा। वहां चले गए और कहा जी हम अपने दीन को सही साबित करने की पोजीशन में हैं, हम करेंगे साबित। जहां तक हमारे कादियानी दोस्तों का या अहमदी दोस्तों का ताल्लुक है, वो एक मुस्तकिल बिज़ात उम्मत है, एक दूसरे नबी से उनका ताल्लुक है, लेकिन वो इस बात का इनकार करते हैं, इकरार नहीं करना चाहते। गोया वो हमसे कुछ अलग भी हैं, बल्कि सरासर अलग है और हमारे दरमियान भी रहना चाहते हैं। तो ये उनकी अजीबो गरीब पोजीशन है जिसे हमारे यहां आमतुल मुस्लिमीन ने कभी तस्लीम नहीं किया। और क्योंकि पाकिस्तान एक जमहूरी मुमलकत है, इसलिए यहां जो भी तनाजियात होंगे उन्हें जमहूरी तरीके से हल होना चाहिए। तो पाकिस्तान की पार्लियामेंट जो है उसमें यह मसला जेर बहस आया कि इनको एक अकलियत के तौर पर अपने दायरे में काम करने का मौका और आजादी देनी चाहिए। उस वक्त जब यह मसला जेर बहस था और लोग इसका मुतालबा कर रहे थे, तो मिर्जा नासिर अहमद साहब वो जमात अहमदिया के अमीर थे, उनको वहां बुलाया गया, उनका बयान लिया गया, उन पर जिरा की गई और एक तवील कार्रवाई जो है वो कौमी असेंबली की हुई, जिसके नतीजे में ये ऐलान किया गया कि ये मुसलमान जो हैं उनसे एक अलग इनका तशख्खुस है और ये एक अलग कौम है, ये अलग मिल्लत है, इनको अलग समझा जाए। उस वक्त अहमदी हजरात ने ये मौकफ इख्तियार नहीं किया के पार्लियामेंट को यह हक हासिल नहीं है, इसलिए हम इसके सामने पेश नहीं होंगे। उनके सामने यह चॉइस था, वो कहते ये पार्लियामेंट कौन है जो ये तय करने जा रही है कि हम मुसलमान हैं या गैर मुसलमान हैं। वो पार्लियामेंट के सामने गए, वहां अपना मौकफ रखा, उसके हक में दलाइल दिए, जिरा का जवाब दिया, तो वो जो कौमी असेंबली की कार्रवाई है वो महफूज है, रिकॉर्ड पर है और वहां पूरी शरो बसत के साथ उन्होंने अपना मुकदमा लड़ा है। अब मुकदमा लड़ने के बाद और उसे हारने के बाद यह कहना कि इस पार्लियामेंट को यह इख्तियार हासिल नहीं था, यह बड़ी एक ऐसी बच्चेगाना बात है। तो उन्होंने ये एतराज उस वक्त नहीं किया। गोया पार्लियामेंट जो थी, अगर हम ये कहें कि उसको एक सालिस के तौर पर तस्लीम कर लिया उन्होंने अपने और अपने मुखालफिन के दरमियान, और सालिस समझकर वहां पेश हुए और उसका फैसले का हक तस्लीम किया। तो जब फैसला हो गया तो फिर उसे तस्लीम करना चाहिए। उस वक्त के अटॉर्नी जनरल थे याह्या बख्तियार साहब, वो इंतहाई काबिल वकील थे, बैरिस्टर भी थे, वैसे भी उनका बड़ा एहतराम था पूरे मुल्क के अंदर। तो वो फिर उन्होंने उसको स्पीयर हेड किया और असेंबली के अरकान जो हैं वो उनको सुजेस्ट भी करते थे सवालात, और वो फिर उन्होंने उनके ऊपर जिरा की, उनकी अकायद के ऊपर जिरा की, बहुत सारे मामलात में उन्होंने उनकी तावीलें भी की, लेकिन वो तावीलें इतनी बोधी थी, इतनी कमजोर थी कि किसी ने उसको कबूल नहीं किया। फिर जो कादियानी फिरके के अलावा जो लाहौरी फिरका था उसके सरबरा भी वहाँ आए, उन्होंने भी पार्लियामेंट के आगे सबमिट किया, उसकी ज्यूरिसडिक्शन को तस्लीम किया। मतलब ये है कि
जब आप सबमिट करते हैं तो इसका मतलब यह कि जो आप फैसला करेंगे फिर उसको भी मानते हैं। तो फिर उन्होंने उन पर भी जेरा, जिसके नतीजे में फिर पार्लियामेंट में उनको बिल इत्तेफाक गैर मुस्लिम करा दिया। एक ऐसा मसला जो 90 साल से चल रहा था और वक्तन फवक्तन जो अपने आमा को खराब करता था और फसादात होते थे, आतिशदनी होती थी, उसे पुरअमन तरीके से असेंबली के अंदर ले जाके और इन्हें पूरे तौर पे अपनी सफाई का मौका देके और एक आम कौमी बहस के नतीजे में उसे पुरअमन तौर पे ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद ने हल कर दिया, तो एक बहुत बड़ा तारीखी कारनामा था। और जब मिर्ज़ा नासिर अहमद साहब से ये सवाल किया गया वहां कि आप उन लोगों को क्या समझते हैं जो मिर्ज़ा गुलाम अहमद की नबुव्वत पर ईमान नहीं रखते या उनको नबी नहीं समझते, खास दिल्ली कहें या बरूती कहें, जो कुछ भी कहें, उनका जवाब था कि वो हमारे नजदीक दायरा इस्लाम से खारिज है। उनके इस जवाब पर एक शदीद रद्द अमल पैदा हुआ और ये कह नहीं सकते आप कादियानी हजरात कि हमारे साथ ज्यादती हो, क्योंकि अगर मुसलमानों की अक्सरियत को वो समझते हैं कि वो काफिर है तो मुसलमान जो दुनिया इस्लाम में फैले हुए हैं, कादियानी उनके बहर ज़ख़ार में एक छोटी सी लहर की हैसियत भी नहीं रखते, तो कैसे उनके बारे में ये रिएक्शन न होता। उनको मुकम्मल मौका दिया गया, वहाँ पे वो तैयारी करते आते थे असम्बली में, वो आके एक बयान देते थे, उसमें उनके ऊपर जिरा होती थी मुसलसल और सवाल अटॉर्नी जनरल करते थे या बख्तियार महरूम उस वक्त अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान थे, वो सवाल करते थे, जो सवाल करते थे वो बाकायदा रिकॉर्डिंग सारी हो रही होती थी और वो रिकॉर्डिंग होके वो ट्रांसक्राइब होके अब वो सारी रिपोर्ट जो है वो पब्लिक हो चुकी है, तो वो सारा कुछ छप चुका है। तो ये उनका कोई हक नहीं है कि वो बहस करने के लिए, उनके पास सारा रिकॉर्ड मौजूद था और उनकी शहादत के बाद वो जो जाते अपनी बहस भी करते सब कुछ करते, लेकिन वो चूंकि उसमें नाकाम हो गए। और यहाँ तो चलिए पाकिस्तान है, जो साउथ अफ्रीका में केस हुआ था, साउथ अफ्रीका की जो कोर्ट थी उसमें भी सुप्रीम कोर्ट में ये शख्स कहा गए जिस केस में यहाँ से महरूम हमारे सामने अटॉर्नी जनरल हाजी गयास मोहम्मद और मियाँ जो थे ये एम बी जमान यहाँ से गए थे, सैयद रियाजुल हसन गिलानी यहाँ से गए थे और वहाँ जाके जो केप टाउन में केस हुआ था उसमें भी ये लोग हार गए थे। मुझे अच्छी तरह याद है कि जब ये मामला आया है पार्लियामेंट के सामने तो पार्लियामेंट ने भरपूर मौका दिया है एम डी तहरीक के जो बानी के वरसा थे और इनके जो सरबराह थे मिर्ज़ा नासिर गालिबन, उन्होंने असेंबली में आके पार्लियामेंट में आके अपना मुकदमा पेश किया, अपना नुकता नजर पेश किया, पूरी सफाई का मौका दिया गया उनको और उसके बाद पार्लियामेंट ने एक चीज तय की। अब ये कह देना जी कि पार्लियामेंट ने ऐसा क्यों किया, देखिए हमारे यहाँ अगर हम आईन को देखते हैं तो आईन इख्तियार देता है अवाम को कि वो किसी भी तरह की कानून साजी कर सकते हैं, वो कानून साजी इस्लाम के असासी बुनियादी उसूलों के मुनाफी नहीं होनी चाहिए जो बुनियादी उसूल है। अब ये कहना कि जी उन्होंने उनको दायरा इस्लाम से खारिज कर दिया, मैं आपसे पहले गुजारिश कर चुका हूँ कि पार्लियामेंट ने खारिज नहीं किया, पार्लियामेंट ने उस चीज को जो हमारे कुरान के अंदर हदीस के अंदर हमारे पूरे निज़ाम इस्लाम के अंदर पहले से कार फरमा था उसको एक कानूनी शक्ल दे दी है। अब अगर होलोकॉस्ट को आप ले लेते हैं और वहां पे कानून साजी हो सकती है और कहे जी कोई यहूदी कत्ल नहीं हुए थे, इतने इतने हजार इतने लाख नहीं मारे गए थे, तो वो कानून के खिलाफ वर्जी है और उसको उसको सजा भी मिल सकती है, तो वहां की पार्लियामानें अगर इस तरह के कानून बना सकती है तो हमारी पार्लियामानें जो जो एक इस्लामी मुल्क की पार्लियामान है और जिसके बुनियादी फराइज में है कि वो इस्लाम के जो असासी तस्वुरात हैं उनका तहफ्फुज़ करे, तो वो अगर इस तरह की कानून साजी करती है तो ये बुनियादी इंसानी हकूक के और इस तरह के दावे वहां आके बातिल हो जाते हैं। ये गलत बात है कि यूरोप में तो एक चीज जायज हो और हमारे यहाँ आके वो नाजायज हो जाए, या हमारे यहाँ की पार्लियामेंट अगर एक इकदाम करती है तो उसको शक की नजर से देखा जाए, उनकी पार्लियामेंट एक उमूमी तारीखी वाक्य को तनकीद की निगाह से देखने वालों को सजा का मुस्तूजब पे, ये मैं समझता हूँ ये डिस्क्रिमिनेशन। अब जो लोग कहते हैं कि जी असेंबली के लोग जो है वो कितने पढ़े लिखे हैं और मेंबर क्या है और क्या नहीं, बात ये है कि जितना प्रेस था उस जमाने में जो मेंबरों मेहराब पे बैठे हुए लोग थे अजीम लोग
वो सारे सारे अरसे में इस मसले पे तकरीरें करते रहे, किताबें लिखते रहे। एक कौमी बहस तो पूरी कौम के अंदर जारी थी ना कि भाई ये कौन है कादियानी, इनकी क्या पहचान है, इनका इस्लाम क्या हकीकी इस्लाम से कोई रब्त रखता है या नहीं रखता या कितना रखता है। ये बहस तो होती रही, अखबारात के सफात पे भी होती रही, किताबें भी छपती रही और मेंबर महराब पे भी इस पे बहस होती रही। तो पार्लियामेंट के लोग वो बहस सुनते रहना, वो तहरीरें पढ़ते रहना। तो इसलिए ये बहुत ही सही फैसला था, दुरुस्त फैसला था कि कुछ तो खून को ख़त्म करके, अमन अमान कायम करके, एक कौमी बहस के ज़रिए और उस कौमी बहस को फिर ईवान नुमाइंदगान में ले जाके एक फैसला किया जाए। जो पार्लियामेंट है इसकी बेसिस जो है ना वो इंग्लैंड की है, 1215 से इंग्लैंड की पार्लियामेंट शुरू है, क्योंकि पार्लियामेंट जो होती है उसका इख्तियार वसी होते हैं। हमने असेंबली में इनको नॉन मुस्लिम करार दिया तो बिल्कुल किसी किस्म का उन पे ना प्रेशर था ना हम पे प्रेशर था। इन्होंने खुद अपने आप को ना एक्सपोज किया। इसी तरह हम देखते हैं कि इस्लामिक थियोलॉजी और इस्लामिक लॉ के एक्सपर्ट्स जिनका ताल्लुक मुख्तलिफ मुमालिक से है, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस और वकला और अल्लामा इकबाल जैसे मुफक्किरीन और दानिश्वर अहमदियत के बारे में एक ही नतीजे पर पहुंचते हैं, और वो ये कि अहमदियत एक अलग मजहब है और इसे एक अलग मजहब ही की हैसियत से अपनी शनाख्त तामीर करनी चाहिए। ये कायद आजम मोहम्मद अली जनाह जो हमारे सबसे मोहतरम रहनुमा है, जो पाकिस्तान के बानी है, जब वो इंतकाल किया उन्होंने और इस दुनिया से वो रुखसत हुए, उस वक्त सर जफरुल्ला खान पाकिस्तान के वजीर खारजा थे और उन्होंने कायद आजम की नमाज जनाजा नहीं पढ़ी। जब नमाज जनाजा अदा की जा रही थी तो उस वक्त वो एक बाहर निकलकर एक पत्थर पर बैठ गए और उनकी उस वक्त की तस्वीरें मौजूद हैं और उन्होंने कभी इस बात का इनकार भी नहीं किया। जब उनसे पूछा गया कि आपने नमाज जनाजा में शिरकत क्यों नहीं की तो उन्होंने इसका जवाब दे दिया कि आप मुझे किसी गैर मुस्लिम मुमलकत का मुसलमान वजीर या किसी मुसलमान मुमलकत का गैर मुस्लिम वजीर समझ लें। तो जो शख्स कायदे आजम की नमाज जनाजा नहीं पढ़ेगा, उनके लिए मगफरत की दुआ नहीं करेगा, वो किस तरीके से कहेगा कि मजहबी तौर पर मैं हिस्सा हूं मिल्लत पाकिस्तान का और मिल्लत इस्लामिया का। कायद आजम की जो नमाज है मगफरत की, जनाजे की, वो किसी शिया ने, किसी सुन्नी ने, किसी बरेलवी ने, किसी देवबंदी ने पढ़ने से इनकार नहीं। ये वाहिद मखलूक थी और इन्होंने इस तरीके से अपने आप को अलग किया। बाद में आप जो कहते हैं कि क्योंकि मौलाना शब्बीर अहमद उस्मानी के पीछे हम नमाज नहीं पढ़ना चाहते थे इसलिए हमने नहीं पढ़ी, जबकि इनका यह भी तरीका रहा है, इनके इरशादात मौजूद है कि हम आम मुसलमान जो मिर्जा साहब पर ईमान नहीं रखते या उनको नहीं मानते उनकी मगफरत की दुआ नहीं करते। ऐसी सूरत हाल में कि जज्बाती तौर पर एक मामला नहीं है सिर्फ, बल्कि एक हकायक की बुनियाद पर ये हमसे एक अलग तशख्स रखते हैं। देखिए, एक अलग तशख्स रखना, उस पर तो उनको फख्र होना चाहिए, उस पर उन्हें शर्मिंदगी क्यों हो रही है? यहां तो लोग अवान, जट, सैयद, शेख होने पर फख्र करते हैं और अपने साथ नाम के लाके लगाते हैं। तो एक मजहब के हवाले से अगर उनका तशख्स कायम हो रहा है तो उसमें शर्मिंदगी क्या क्या बात है? उनको तो फख्रिया तौर पर इसका ऐलान करना चाहिए। देखिए, सारा झगड़ा ही इस बात से पैदा हो रहा है, उनके हकूक हैं मुमलकत पाकिस्तान में एक अकलियत के तौर पर,
और अगर वो अपने आप को उस दायरे में ले आए तो कोई सरजनश उनसे नहीं होगी और कोई झगड़ा उनसे नहीं होगा। उनकी जान, माल, इज्जत, आबरू उसी तरीके से मोहतरम है जिस तरह दूसरी गैर मुस्लिम अकलियतों की, बल्कि जिस तरह खुद मुसलमानों की, क्योंकि हर शख्स की इज्जत और आबरू और जान जो है उसकी 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 कदर की जानी चाहिए, उसकी हिफाजत की जानी चाहिए। यह मुमलकत की बुनियादी जिम्मेदारी। हम कभी इस बात की तायद नहीं करते कि कोई शख्स खुद कानून को हाथ में ले, उन पर हमला आवर हो, उन पर जिंदगी अजीरन कर दे, उन पर कारोबार के मौके बंद करे या उनको जिंदा रहने का हक न दे। जो लोग ऐसा करते हैं वो इस्लाम की तालीमात के मुताबिक नहीं करते, बल्कि ये एक जहालत है। जैसे हमारे यहां दूसरे झगड़े हो जाते हैं उतने ये झगड़े भी हो जाते हैं। तो अगर वो अपने आप को अपने सही मुकाम पर रख ले तो ये सारे मसले जो हैं आसानी से खत्म हो सकते। देखिए हिंदी ही नहीं है, यहाँ पे ईसाई भी बसते हैं, यहाँ पे यहूदी भी बसते हैं, यहाँ पे हिंदू भी बसते हैं, यहाँ भी और भी कौमें बसती हैं। ये झगड़ा उस वक्त खत्म हो जाएगा जब वो अपनी एक शनाख्त जो उन्होंने बना ली है कि हम अलग शनाख्त हैं, वो अपनी शनाख्त के ऊपर तनाज कर लेंगे और ये नहीं दावे करेंगे कि हम वाकई मुसलमानों का हिस्सा हैं, जबकि वो मुसलमानों का हिस्सा नहीं है। जब वो अपनी इस नए तशख्स को कबूल कर लेंगे जो कि है उनका, जो वो कबूल नहीं कर रहे, तो मेरा ख्याल है सारा झगड़ा खत्म हो जाएगा। जब बाकी बहुत से मजाहब ने अपना अपना तशख्स कबूल कर लिया है और वो कायम है, उनसे हमारा कोई झगड़ा नहीं है, तो इनके साथ भी हमारा कोई झगड़ा नहीं है। और झगड़ा उस वक्त होता है जब वो हम में से ना होते हुए ये दावा करते हैं कि हम आप में से, जब इस हकीकत को वो कबूल कर लेंगे कि हम इनमें से नहीं है, ना ये हम में से, और उनकी कुतब ये कहती है कि ये हम में से नहीं, उनका लिटरेचर ये कहता है हम में से नहीं। तो मेरा ख्याल है कि जब वो अपनी इंफरादियत कह लें उसको, अपना इम्तियाज कह लें उसको, अपनी एक इलाहदा इकाई कह लें, इलाहदा तशख्स कह लें, कोई नाम ले लें, उसको जब वो कबूल कर लेंगे तो शायद झगड़ा खत्म हो जाएगा। अगर वो अपने मजहब के साथ सच्चे हैं तो अपनी इस्तलाहात वजा कर सकते हैं, और अगर वो ऐसा करने से गुरेज करते हैं तो गैर जानिबदार लोग ये समझने में हक बजानिब होंगे कि अहमदियत एक जाली मजहब है जिसे मिल्लत इस्लामिया में ज़हनी इंतिशार पैदा करने के लिए बनाया गया है। इस सिलसिले में अल्लामा इकबाल की राय मुलाहजा फरमाइए। इस्लाम लाजमन एक दीनी जमात है जिसकी हदूद मुकर्रर हैं, यानी वहदत उलूहियत पर ईमान, अंबिया पर ईमान और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खत्म रिसालत पर ईमान। दरअसल ये आखिरी यकीन ही वो हकीकत है जो मुस्लिम और गैर मुस्लिम के दरमियान वजह इम्तियाज है और इस अम्र के लिए फैसला कुन है कि फर्द या ग्रोह मिल्लत इस्लामिया में शामिल है या नहीं। मसलन ब्रह्मो खुदा पर यकीन रखते हैं और वो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुदा का पैगम्बर भी मानते हैं, लेकिन उन्हें मिल्लत इस्लामिया में शुमार नहीं किया जा सकता क्योंकि अहमदियों की तरह वो अंबिया के जरिए वही के तसलसल पर ईमान रखते हैं और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खत्म नबूवत पर ईमान नहीं रखते। जहां तक मुझे मालूम है कोई इस्लामी फिरका इस हद फासिल को अबूर करने की जसारत नहीं कर सका। ईरान में बिहाइयों ने खत्म नबूवत के असूल को सरीहन झुठलाया, लेकिन साथ ही उन्होंने कहा कि वो एक अलग जमात है और मुसलमानों में शामिल नहीं है। मेरी राय में तो अहमदियों के सामने सिर्फ दो ही राहें हैं, या वो बिहाइयों की तकलीद करें या फिर खत्म नबूवत की तावीलों को छोड़कर इस असूल को उसके पूरे मफहूम के साथ कबूल करें, और इनकी जदीद तावीलें महज इस गरज से हैं कि उनका शुमार हल्का इस्लाम में हो ताकि उन्हें सियासी फवायद पहुंच सके। मुझे अल्लामा का एक बड़ा मशहूर शेर याद आ रहा है कि ला नबी बादी जे साने खुदास बर्दाए नामू से दीने मुस्तफास, कि आखिरी नबी होना हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक एहसान है जो अल्लाह ताला की तरफ से हम पे कर दिया गया और ये हमारे दीन के नामूस का पर्दा है। तो जब पर्दे की तरफ हाथ जाता है ना किसी भी ग्रोह का और उस नामूस की तरफ हाथ पड़ता है तो मुसलमानों की जो हमियत होती है, चाहे उनके अहमाल के अंदर कजी हो या कमजोरी हो या कोई भी सबब हो, वो उसमें एक इत्याश पैदा होता है, इश्तियाल पैदा होता है, रद्द अमल पैदा होता है। और उन्होंने खाम खा एक नबुव्वत का नाम इस्तेमाल करके अपने आप को उलझन में डाला है, ऐसी इस्तलाहें इस्तेमाल की हैं
देखिए उन मिर्जा साहब की जो बेगम है या बेगमात है उनके लिए उम्मुल मोमिनीन का लफ्ज इस्तेमाल हो रहा है, उनके जो कंपेनियंस हैं उनके लिए सहाबा का लफ्ज इस्तेमाल हो रहा है, जो आप आपकी जनाब जनाजगाह है या कब्रस्तान है उसके लिए आप जन्नतुल मौला का लफ्ज इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये सारी ये जो आपकी इस्तलाहात हैं ये मुखालते में डालने वाली हैं और ये एक मुसलमानों को एक आसार पहुंचाने वाली है। और किसी गुरु ने 1500 साल में जो मुसलमान कहता हो अपने आप को इस तरह की इस्तलाहात जो है अपने बुजुर्गों के लिए इस्तेमाल नहीं की। तो जब वो सारा कुछ ये कर रहे थे और अपने आप को अलग करना चाहते थे तो जब वो अलग कर दिए गए हैं तो अब उनको परेशानी क्यों हुई। मैसेज टीवी के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अमन के पैगाम को फैलाने में हमारी मदद कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल के आइकॉन पर क्लिक कीजिए। आपका अपना मैसेज टीवी।